दिवाली पर बरसेगी आप पर माता लक्ष्मी की कृपा, होगी आपके घर में धन वर्षा। जानिए क्या करें उपाय जिससे आप हो जाएं मालामाल। उपाय नंबर वन, तिजोरी में रखें ये सामान। दीपावली की रात एक आंवला पर सिंदूर लगाएं और उस पर लाल चुनरी चढ़ाएं। इसे माता लक्ष्मी के सामने रखकर ओम विष्णु प्रिया नमः का कमल गट्टे की माला से 5 बार जप करें। फिर आंवले को तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें, धन की कभी कमी नहीं होगी। उपाय नंबर टू, इस महामंत्र का करें जाप। दीपावली की रात चांदी का सिक्का या फिर कोई भी चीज गुलाबी रंग के रुमाल में लपेटकर लक्ष्मी जी को अर्पित कर दें और ओम महालक्ष्मी मंत्र का 5 बार जप करें और पूजन धूप के बाद तिजोरी या फिर अलमारी में रख दें। उपाय नंबर थ्री, धन की समस्या होगी दूर। धनतेरस या दीपावली के दिन 3 झाड़ू खरीदें और अगले दिन प्रातः घर के पास के किसी मंदिर में ले जाकर रख दें। इस बात का ध्यान रखें कि आपको कोई देख ना ले। इस उपाय से धन संबंधित सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। उपाय नंबर फोर, इलायची का इस तरह से करें प्रयोग। दीपावली के दिन एक शहद की शीशी में 7 छोटी इलायची और थोड़ा सा केसर के दाने डाल लें। इन सबको छाया में सूखने दें। इसके बाद रोज एक दाना खाएं या भोजन बनाते समय इसे डालकर पूरे परिवार को खिलाएं। इसको खाते वक्त लक्ष्मी जी का जप करते रहें। ऐसा करने से सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। उपाय नंबर फाइव, घर में होगा लक्ष्मी जी का वास। दीपावली वाले दिन खीर बनाकर एवं जय सुक्त नारियल दोनों को लेकर पूरे घर में घुमाएं। इसके बाद मुख्य द्वार पर नारियल तोड़ दें, खीर कुत्ते को खिलाएं। इस उपाय से घर में होगी लक्ष्मी जी की कृपा और केतु का अशुभ प्रभाव भी दूर हो जाएगा। उपाय नंबर सिक्स, दीपावली की रात जलाएं अखंड दीप। दीपावली के शाम पूजन के समय लक्ष्मी जी के सामने एक तेल का और एक देसी घी का दीप जरूर जलाएं। कोशिश करें कि ये दीप अखंडित जलता रहे। इसके साथ जितना हो सके माता लक्ष्मी के बीज मंत्र ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः का जप करें। इससे दुर्भाग्य दूर होता है और घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।